हिंदू धर्म में नवरात्रों की मान्यता कितनी है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही पूजन के दौरान माता की साख या ज्वार की कितनी अहमियत है ये सब नहीं जानते। लोग घरों में जौ बोना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इसे बोने का महत्व उन्हें नहीं पता। इसके बिना माँ की पूजा आराधना करना अधूरा माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही जौ बोना शुरू कर दिया जाता है। पहले आपको जौ बोने की मान्यता बता देते हैं। नवरात्रों के दिनों में जौ बोने की मान्यता ये है कि धरती की रचना के बाद जो फसल सबसे पहले उगाई गई थी वो जौ थी। नवरात्रि में माता की साख या खेतड़ी बोने की प्रथा का चलन कई राज्यों में है। बहरहाल 9 दिनों की नवरात्रि पूजन के बाद इस साख को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। तो चलिए, ये तो थी जौ बोने की मान्यता। अब जरा इसे बोने के पीछे का महत्व भी बता देते हैं। लेकिन हमारा वीडियो आगे देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल NN श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। नवरात्रि में जौ बोने के पीछे का ये महत्व है कि प्रकृति की शुरुआत में सबसे पहले बोई गई फसल जौ थी, जिसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। इसे बोने के पीछे मुख्य कारण अन्न ब्रह्मा है, इसीलिए कहा जाता है कि अन्न का आदर करना चाहिए। नवरात्रि में खाली जौ बोने ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि वो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं ये भी बेहद जरूरी है। इन 9 दिनों में जौ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं यही बातें हमारे अच्छे भविष्य को भी दर्शाती हैं। जौ यूं ही नहीं बोया जाता, बल्कि माना जाता है कि इसे बोने के पीछे कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी मिलते हैं। पहले आपको इसके शुभ संकेत बता देते हैं, जो ये है कि अगर जौ बोने के कुछ दिनों बाद ही वो उगने लगे और हरी भरी हो जाए तो ये एक शुभ संकेत होता है। साथ ही इससे घर के काम में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तेजी से जौ बढ़ने का मतलब ये है कि घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाती है। अगर जौ व्हाइट या ग्रीन कलर में उग रही है जो इसे बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। पीले रंग में उगने वाली जौ घर में खुशियों की दस्तक देती है। वहीं जौ अशुभ संकेत भी देती है, वो ऐसे कि अगर ये ठीक से नहीं उगती तो इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है। अगर वहीं ये काले रंग की या टेढ़ी मेढ़ी उगने लगती है तो भी इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। अशुभ संकेतों में बस यही नहीं है, बल्कि ये भी है कि अगर जौ सूखी और पीली होकर झड़ना शुरू हो गई है तो ये भी एक अशुभ संकेत है। ऐसे में माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आने वाली मुसीबतें टल जाएं। नवरात्रि खत्म होने के बाद हवन करके जौ को जल में बहा देना चाहिए। इस तरह से ही नवरात्रि का समापन किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे पूरे चैनल की तरफ से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।